दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको अक्टूबर में होने वाले ग्राम प्रधान चुनाव के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा कि ग्राम प्रधान का चुनाव अक्टूबर महीने में आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए आप लोगों का कमेंट बराबर आता रहता है और बराबर फ़ोन कॉल्स भी आता रहता है। तो मैं बार बार बताता हूँ अपनी वीडियो में कि इस बार उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का चुनाव अक्टूबर महीने में होगा और किस डेट में होगा उस पर भी हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस बात पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अभी आरक्षण का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि आरक्षण का इंतज़ार करने वाले लोगों को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो नुकसान किस तरह का होगा वो भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ जाते हैं अपने सीधे टॉपिक पर कि उत्तर प्रदेश में 2020 में अक्टूबर महीने में चुनाव किस डेट पर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव अक्टूबर महीने में 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर कुल 4 चरणों में होने की संभावना है। और आप लोग इसी डेट को आधार मान करके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए, विलम्ब बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि विलम्ब करने से नुकसान के सिवा फायदे नहीं होंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने लोग अभी आरक्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि जनरल सीट आएगी तो हम उस पर चुनाव लड़ेंगे, ओबीसी आएगी तो हम लड़ेंगे, या फला सीट आएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, आप यदि गांव का नेता बनना चाहते हैं, आप यदि गांव की तरक्की के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो आपको समय और मौका देख करके तैयारी नहीं करना है। चुनाव आप इस बार लड़ें या अगली बार लड़ें, लेकिन जनता के बीच में, जनता के हृदय में, जनता के बीच में अपना व्यवहार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जनता जब आपसे जुड़ी रहेगी तो जब भी जनता को मौका मिलेगा आपको वोट करने का, तभी आपको वोट करके वो जिताएगी। रही बात आरक्षण के इंतज़ार की, यदि ऐसा हुआ कि आरक्षण आप ही के पक्ष में आ गया और आपने बिल्कुल तैयारियां नहीं किया था और आपको केवल 2 से 2.5 महीने टाइम मिले, तो अब आप 2 से 2.5 महीने के टाइम में कितना ज़्यादा प्रयास करोगे कि सारी चीज़ों को आप मेंटेन करके चुनाव जीत पाओगे। जो लोग अभी से गांव में चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, घर घर जा कर के एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं और उनके बीच में अपने उम्मीदवारी को दमदारी के साथ रख रहे हैं, जनता सबसे पहले उनके बारे में सोचेगी, बाद में जाने वाले आरक्षण का इंतज़ार करने के बाद में जाने वाले लोगों के बारे में जनता बाद में सोचेगी। तो आप इसी चीज़ को आधार मान लीजिए। यदि आप बाद में गए तो बहुत सारे लोग आपसे यही कहेंगे कि पहले से जो फील्ड में है हक बनता है कि हम उसको वोट दें, आप बाद में आए हैं आपके बारे में सोचा जाएगा। तो कहीं आपको इस तरह की बातों का सामना न करना पड़े, इस नाते मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से कि आप अभी से फील्ड में जाएँ। यदि आरक्षण आपके पक्ष में नहीं आया फिर भी आप अगली बारी से, अगली बार के लिए लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे, लोगों के बीच में अपना मधुर संबंध बनाए रखेंगे, तो कभी ना कभी आपको उसका फायदा भरपूर मिलेगा। लेकिन आप केवल मतलब के टाइम पर जाएंगे तो जनता आपको मतलबी ही समझेगी, आपको अपना भाई और अपना बेटा और अपना प्रधान ही अपना प्रधान नहीं समझेगी। और इस वीडियो को समाप्त करने के साथ साथ मैं अपनी अतिरिक्त सुविधा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि आपको अपने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों की सूची चाहिए, लिस्ट चाहिए, समस्त कार्यों के ब्यौरा चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सअप करके सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको अपने ग्राम पंचायत में सभी मतदाताओं के मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कराना है, सभी लोगों के दिल में बसना है, सभी लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाना है, तो आप इसी नंबर पर संपर्क करके अपना डिजिटल प्रचार भी करवा सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही सस्ता तरीका है। वो प्रचार केवल आपके ग्राम सभा में आपके वोटरों के मोबाइल पर सुबह शाम दिन रात चलता रहेगा, जिससे वे लोग भी आपके चेहरे से परिचित हो जाएंगे जो लोग कभी घर से नहीं निकले हों, जैसे कि महिलाएँ, बहुएँ और बेटियाँ, ये लोग घर से बाहर नहीं निकलती हैं, नेताओं को ये पहचानते नहीं हैं। लेकिन यदि आप उनके ही मोबाइल पर 1 फीट की दूरी पर उनके ही हाथ में
आप बोलोगे तो ज़रूर आपके चेहरे से वो परिचित होंगी और जब कभी आप उनके घर के सामने से गुजरेंगे तो ज़रूर आपको पहचानेंगे। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं, एक बार ज़रूर आजमाएं। बाकी आगे की बातें अगली वीडियो में होंगी।